पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेट फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगता है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए आपको कोई कंडक्टर दे रखा है जिसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मान लीजिए कोई कंडक्टर रखा हुआ है। अब इस कंडक्टर से मान लीजिए कुछ एल आपके कंडक्टर की लेंथ है मान लीजिए, और इसमें से मान लीजिए आई करंट आपका फ्लो कर रहा है। अगर इस कंडक्टर की लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल। अगर मैं इस वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर दूं, वे स्मॉल एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब हर इलेक्ट्रॉन जब इस वायर में से ड्रिफ्ट कर रहा होगा तो हर इलेक्ट्रॉन पे एक मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कितना होगा आपका, एफ विल बी इक्वल टू ई इंटू वी डी क्रॉस बी। मैग्नेटिक लॉरेंस का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपका ड्रिफ्ट कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी ले ली मैंने, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो जो टोटल फोर्स आपका लग रहा होगा वो टोटल फोर्स जो होगा वो होगा एन ए एल, ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो आपका फोर्स लग रहा था वो फोर्स कितना था आपका ई वी डी क्रॉस बी। हमने करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन था, करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन हमने पढ़ा था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो अगर इस फॉर्मूले को हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा वेक्टर एफ विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये आपका फोर्स लगेगा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है इस फोर्स की तो दोबारा हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। आपका जो फोर फिंगर होगा वो फील्ड की डायरेक्शन देगा, आपका मिडिल फिंगर जो होगा वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन देगा, और आपका थंब जो होगा ये आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ये है और इसके अंदर आपने मान लीजिए एक कंडक्टर रखा हुआ है जो कर्व्ड है। अगर ऐसा कर्व्ड कंडक्टर है, पी क्यू मान लीजिए आपका कर्व्ड कंडक्टर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स निकालने के लिए ध्यान रखना आपको क्या करना है, आप बस दोनों जो एंड्स हैं उनको आप जोड़ दीजिए। तो जो फोर्स आपका लग रहा होगा एफ विल बी इक्वल टू आई पी क्यू क्रॉस बी। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको कर्व्ड कंडक्टर दे, स्ट्रेट कंडक्टर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कर्व्ड कंडक्टर दे रखा हो तो आप उसकी एक्चुअल लेंथ में मत जाना, दोनों आपके जो एंड टर्मिनल्स हैं उनको आप जोड़ देना, जो उनका लेंथ होगा वो आप देख लेना और यहाँ से आपको फोर्स मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा केस दे रखा हो, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखे और इसके अंदर मान लीजिए आपको कोई करंट कैरिंग लूप ऐसे दे रखा हो। ये ध्यान रखना किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो फोर्स आप एक्सपीरियंस करोगे वो हमेशा जीरो होगा। कैसा भी शेप हो लूप का कोई दिक्कत नहीं, अगर एक कंप्लीट लूप है तो फोर्स आपको हमेशा जीरो होगा।
बट ये भी ध्यान रखना कि इस लूप के कोई एक सेगमेंट आप लेते हो तो उस सेगमेंट पे फोर्स जरूर लग रहा होगा, बट इन टोटालिटी अगर आप लूप लोगे तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। आगे हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। मान लीजिए आपको दो पैरेलल वायर्स दे रखे हैं, ये आपका एक वायर है ये दूसरा वायर है, दोनों मान लीजिए इनफाइनिटली लॉन्ग हैं। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आर मान लेता हूं और से इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई वन और आई टू। अभी मैं मान रहा हूं कि दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अगर आप फिगर देखोगे तो आपका जो सेकेंड वायर है वो फर्स्ट वायर के फील्ड में रखा गया, ऐसे ही आपका फर्स्ट वायर जो है वो सेकेंड वायर के फील्ड में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सेकेंड वायर देखेंगे, सेकेंड वायर कहाँ रखा हुआ हमने, फर्स्ट वायर की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π2I1/R। फील्ड की डायरेक्शन देखिए, करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड आपको यहाँ निकालना है तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे, इनवर्ड है क्रॉस। तो अंदर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड B1 लग रहा है, ये फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ B1। अब इस फील्ड के अंदर आपने सेकेंड वायर को रखा हुआ है, जब इस फील्ड के अंदर आप सेकेंड वायर रखोगे तो देखिए करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड आपका अंदर की तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा F21। F21 जो है इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट वायर पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो वील कंसिडर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपका जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा F21 वो कितना होगा, B1 into I2। ध्यान रखिए F21 इज नॉट फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आपको आ गया B1 into I2 और दिस इज इक्वल टू B1 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π2I1/I2/R, ये आपका फोर्स आ गया, ये फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट की तरह एक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप ये देखिए कि सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर के यहाँ भी एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो पहले ये फील्ड निकाल लेते हैं, B2 कितना होगा आपका, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I2/R। अब इस फील्ड की डायरेक्शन देखिए, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, फील्ड आपको यहाँ निकालना है तो आप देखिए किधर को है, आउटवर्ड है, तो इस तरफ आपकी फील्ड की डायरेक्शन हो गई B2 की। ठीक, इस फील्ड के अंदर आपने फर्स्ट कंडक्टर को रखा है, करंट आपका फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, फील्ड आपका बाहर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, टूवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में आपको लगेगा F12। तो F12 की वैल्यू क्या होगी, F12 विल बी इक्वल टू B2 इंटू I1। F12 ध्यान रखना क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द सेकेंड वायर पर यूनिट लेंथ, तो F12 आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 4π2I2/I1/R। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस आप देखिए कैसे इक्वल हैं, और ये फोर्सेस देखिए अट्रैक्टिव नेचर के हैं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो ये दोनों वायर्स जो हैं वो अंदर की तरफ, इनके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ओपोजिट है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो आप देखोगे कि ये दोनों वायर्स आपस में रिपेल करना शुरू करेंगे। इसीलिए आप देखते हो कि अगर आप एक सोलेनोइड में से करंट पास करोगे तो आप देखोगे सोलेनोइड की जो लेंथ है वो जनरली थोड़ी सी कम हो जाती है। वो कम इसीलिए होती है कि जैसे मान लीजिए ये आपका सोलेनोइड है,
से इसमें से अगर आप कुछ करंट पास कर रहे हो आई, तो आप देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम होगी। जो बाहर वाला पार्ट है उसमें देखिए दोनों एडजेसेंट वायर्स में से करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ऐसे आप पीछे वाले पार्ट से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन पीछे वाले पार्ट में कुछ ऐसा आएगा, तो आप देखो उसमें भी क्या होगा, देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो सॉलिनॉइड से अगर आप करंट पास करोगे तो आप ये देखोगे दे हैव अ टेंडेंसी टू श्रिंक डाउन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। अब ये फॉर्मूले यूज करते हुए हम 1 एम्पेयर की डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए इन दोनों वायर में से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, मतलब I1 और I2 इज इक्वल टू 1 है। मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं 1 मीटर मान लेता हूँ। अगर आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4π2 1 × 1/1। म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, तो एफ आपका आ गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर इज दैट करंट विच वेन पास थ्रू टू पैरेलल वायर्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। आगे हम पढ़ते हैं, व्हाट इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं, आपको मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है, से इसका ब्रेथ बी है, लेंथ एल है। अब इस लूप को मान लीजिए आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा। अब इसमें से आप आई करंट फ्लो कराइए, जब आई करंट इसमें से फ्लो होगा तो आपके जो चारों आर्म्स हैं चारों आर्म्स पे फोर्स लगेंगे। इस आर्म पे इधर को फोर्स लगेगा और नीचे वाले आर्म पे इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा। ये फोर्स आपका कितना होगा, बी इंटू आई इंटू स्मॉल बी, बी आई बी साइन थीटा। इस पे जो फोर्स लगेगा इस आर्म पे वो आपका कितना होगा, बी इंटू आई इंटू एल होगा, एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ऐसे आप देखोगे इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, बी इंटू आई इंटू एल। अब ये जो दो फोर्स है इन दो आर्म्स पे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, साइड वाले जो आर्म्स हैं इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, इस पूरे कॉयल को टर्न कराएगा। अगर आप एक टॉप व्यू लेते हो तो आपका टॉप व्यू कुछ ऐसा आएगा, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड, इसके अंदर ये आपने कॉयल रखा हुआ है, इस तरफ आपको फोर्स लग रहा है बी आई एल, इधर भी आपको फोर्स लग रहा है बी आई एल, ये डिस्टेंस आपका बी, ये एंगल आपका थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स आपका लग रहा है बी आई एल, आप देखिए दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, बी इंटू साइन थीटा। तो अगर हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा टॉर्क कितना आ रहा है, बी इंटू आई इंटू एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज बी साइन थीटा। अगर मान लो इस कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आप टॉर्क को एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी इंटू आई इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया होता है इंटू साइन थीटा।
पिछले टॉपिक हमने पढ़ा था कि n इंटू आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क विल बी इक्वल टू m क्रॉस b। ये आपका टॉर्क का जनरल फॉर्मूला, या तो हम कहें n b i a साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में कहें कि वेक्टर टॉर्क विल बी इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। अब इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जिससे आप छोटा सा करंट भी मेजर कर सकते हो। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं। जैसे ही आप उसमें से करंट पास करोगे तो ये कॉइल जो होगा ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो इसको एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये पॉइंटर जो है आपको एग्जैक्ट रीडिंग बता देगा। अब हमें देखना कि फंक्शन कैसे करता है। पहले आप देखिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर आप देखोगे दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ये कॉन्केव शेप मैग्नेट्स यूज हम किए हैं क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो रेडियल फील्ड होगा, और रेडियल फील्ड के अंदर हमेशा ध्यान रखना टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम टॉर्क आपका कितना होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू एन आई ए बी, क्योंकि रेडियल फील्ड है टॉर्क मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे आपका साइन 90 आ जाएगा, तो टॉर्क आपका हो जाएगा एन आई ए बी। ये मैक्सिमम आपका टॉर्क है और इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब जैसे ही डिफ्लेक्ट करेगा इसके अंदर स्प्रिंग जो है उसमें प्रोड्यूस होगा एक रिस्टोरिंग टॉर्क। अब ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क आपका होगा वो आपका होगा के इंटू फाई। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो आप लिखोगे एन आई ए बी विल बी इक्वल टू के इंटू फाई, या आई आपका हो जाएगा आई विल बी इक्वल टू के डिवाइड बाई एन ए बी इंटू फाई। अब ये जो क्वांटिटी आपका के डिवाइड बाई एन ए बी ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आई इज इक्वल टू जी इंटू फाई, और आई इज प्रोपोर्शनल टू फाई। इसका मतलब जब इसमें से करंट पास करोगे तो वो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगल थ्रू विच द कॉइल डिफ्लेक्ट्स। तो गैल्वेनोमीटर से आप एंगल मेजर कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। अब ये आपका गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है वो मेजर करने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं। एक को हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं फाई अपॉन आई। तो इस फॉर्मूले से देखिए फाई अपॉन आई कितना आ गया, एन ए बी अपॉन के। तो अगर आपको अपने गैल्वेनोमीटर को करंट सेंसिटिव बनाना है तो क्या करिए, आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो, एरिया बढ़ा सकते हो, बी बढ़ा सकते हो, और के को आप कम करोगे। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ध्यान रखना कि अगर आप एन और ए को ज़्यादा बढ़ा दें तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है और साथ साथ एनर्जी डिसिपेशन भी होता है। तो सबसे आसान तरीका ये कि बी की स्ट्रेंथ को आप बढ़ा दो और के की वैल्यू को आप कम कर दो। तो ये बी की वैल्यू बढ़ाना सबसे आसान है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके बीच में यहाँ पे आप एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हो। तो सॉफ्ट आयरन कोर रखने से फ़ायदा ये होता है कि इसकी परमिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो फील्ड लाइंस क्या करती हैं आपके मैग्नेट से पास होती हैं, तो दे कम क्लोजर टू देम। तो जब वो नज़दीक आते हैं तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और अगर आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो आपका करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं फाई अपॉन वी, और दैट इज इक्वल टू फाई अपॉन आई आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए बी अपॉन के आर। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं मॉड्यूल से बेस्ड ऑन द टॉपिक्स विच आई स्टडीड जस्ट नाउ। ए कंडक्टर आर एस ऑफ लेंथ ए कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर पी क्यू। कैरिंग करंट आई एज शोन,
द फोर्स ऑन आर एस हैज अ मैग्नीट्यूड, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये देखिए आपको फिगर दे रखा है, पी क्यू एक वायर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, इट्स एन इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर। अब इस इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक फाइनाइट वायर रखा हुआ आर एस, इसका लेंथ दे रखा आपको ए, इसका जो नियर एंड जो है ये वायर से ए डिस्टेंस पे है। हमें पता करना है कि इस आर एस पे इस करंट कैरिंग वायर पी क्यू की वजह से कितना फोर्स लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे आर एस पे, क्योंकि फील्ड आपका हर जगह सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं। मान लीजिए इस सेक्शन का लेंथ डी एक्स है। अब ये जो सेक्शन डी एक्स जो है, मैं मान लेता हूँ इस वायर से एक्स डिस्टेंस दूर है, मतलब जो आपने एलिमेंट डी एक्स लिया है आर एस में वो आपके पी क्यू वायर से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस दूर है। तो इस पर्टिकुलर पोजिशन सबसे पहले हम फील्ड निकालेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा एट ए डिस्टेंस एक्स वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन एक्स। इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर, तो फॉर्मूले से हम ये निकाल लिया। अब इस फील्ड के अंदर हमने ये छोटा सा एलिमेंट रखा हुआ है, तो इस एलिमेंट पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स आपका कितना होगा, डी एफ इज इक्वल टू जो आपका फील्ड है इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंटू जो करंट इसमें से पास हो रहा है बी आई एल। तो आपका फोर्स आपका हो गया डी एफ इज इक्वल टू फील्ड आपका कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई एक्स डी एक्स इंटू आई। ये डी एफ आपका कितना आएगा, डी एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए आई कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है एक्स। सबसे पहला एलिमेंट आप इधर लोगे तो इसका मतलब एक्स की लोअर लिमिट कितनी हो गई, ए। सबसे लास्ट एलिमेंट आप एस पे लोगे तो अपर लिमिट आपका कितना हो गया, ये पूरी लेंथ डिस्टेंस 2a। तो आप क्या करोगे, टोटल फोर्स निकालने के लिए आप दोनों साइड को इंटेग्रेट करोगे। एक्स आपका वेरिएबल है, लोअर लिमिट आप डालोगे ए, अपर लिमिट आप डालोगे 2a। तो आपको फोर्स मिलेगा एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स लिमिट्स ए टू 2a, और f विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i स्क्वायर लॉग टू द बेस e 2। अब जरा फिगर में आप देखिए, फील्ड देखिए आपका डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। फील्ड आपका देखिए किस डायरेक्शन में था, करंट आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड आपको यहाँ निकालना है, हाथ ऐसे रखिए, पाम आपका इनवर्ट फेसिंग है, मतलब इस रीजन में आपका फील्ड कहाँ को था, अंदर को था। आर एस वायर में देखिए करंट राइट साइड की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट आपका इधर फ्लो कर रहा है, फील्ड आपका इनवर्ट था, तो फोर्स आपका कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। आपका आंसर आया एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i स्क्वायर लॉग बेस ई 2। डायरेक्शन आपका अपवर्ड आ रहा है। अब जरा ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में आप देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर लॉग 2। अब हम मॉड्यूल से एक क्वेश्चन करते हैं। ईच वायर सेगमेंट इज ऑफ लेंथ एल एंड द लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 2B0 आई कैप प्लस 3B0 जे कैप एज शोन। ये आपको दे रखा है एक रीजन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है 2B0 आई कैप प्लस 3B0 जे कैप। इसके अंदर आपने एक लूप ले रखा है, इस लूप के हर सेगमेंट की लेंथ बराबर है, हर सेगमेंट की लेंथ एल है, और इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। आपको निकालना है व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इस लूप पे कितना टॉर्क लगेगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था कि टॉर्क इज गिवन बाय वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है 2B0 आई कैप प्लस 3B0 जे कैप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा फिगर है इसको हम दो पार्ट में, इस पूरे लूप को डिवाइड कर देंगे। तो एक लूप मैं ऐसे ले लेता हूं,
ये मैं एक ऊपर वाले पार्ट का एक लूप में ऐसे बना देता हूँ और दूसरा वाला भी ऐसे आइडेंटिकली बिल्कुल ऐसे बना देते हैं। तो ये आपको जो एक्चुअली जो एक लूप दे रखा था इसको मैंने दो लूप में टर्न अप कर दिया। अब देखिए यहां से करंट जा रहा है आपका आई, यहां से भी करंट जा रहा है आई। तो जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। अब यहां पे ये एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड लेंथ हमें फिगर में एल दे रखा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना होगा आई इंटू एल स्क्वायर। ये आपके दोनों लूप का इंडिविजुअली मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब हम डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन हमने देखा हुआ है कि विल यूज राइट हैंड रूल, जो आपका कर्ल ऑफ द फिंगर है वो आपको देगा करंट की डायरेक्शन, तो थंब आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देगा। अगर आप इस फिगर में देखें तो इस प्लेन इस कॉइल लूप के लिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट इधर एक्ट करेगा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना हो जाएगा, योर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट लूप विल बी इक्वल टू आई इंटू एल स्क्वायर। किस एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आप यहाँ लिख दीजिए आई क्या था। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस लूप की वजह से। ऐसे जो सेकेंड लूप है उस सेकेंड लूप के लिए देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ, मतलब किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप की वजह से इस डायरेक्शन पे होगा, से एम टू विल बी इक्वल टू आई एल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है तो हम लिखेंगे जी कैप। इसका मतलब जो आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस पूरे लूप का, उस नेट मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, आई एल स्क्वायर आई कैप प्लस दूसरे लूप का आई एल स्क्वायर जे कैप। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ गया आई एल स्क्वायर वेक्टर आई प्लस जे कैप। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट आपका है आई एल स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दे रखा है, ट्वाइस बी नॉट आई कैप प्लस थ्री बी नॉट जे कैप। और टॉर्क विल बी इक्वल टू आई एल स्क्वायर बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है कि आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, आई क्रॉस जे के कैप होता है और जे क्रॉस आई माइनस के कैप होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क विल बी इक्वल टू आई एल स्क्वायर बी नॉट आई क्रॉस आई आपका जीरो हो गया प्लस आई क्रॉस जे आपका के कैप हो गया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे थ्री के कैप। फिर आप इस जे कैप को मल्टीप्लाई करिए, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है, तो ये आपको हो गया माइनस टू के कैप। जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो होता है, तो ये टर्म आपका जीरो आ गया। तो आपको जो नेट टॉर्क आएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू आई एल स्क्वायर बी नॉट, ये आपको आ जाएगा के कैप। ऑप्शन में आप देखिए आपका सी ऑप्शन सही है, आई एल स्क्वायर बी नॉट के कैप।